जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। उषा के किचन में आप मन के स्वागत है। तो आज बनेंगे हम रवा उपमा अने सूजी के उपमा। सूजी के उपमा बनाए बर हम ले हन एक पाव सूजी, एक बड़े प्याज काटे हैं, 6-7 हरी मिर्च काटे हैं, धनिया पत्ती, मीठा लीम, फल्ली दाना। गैस जला ले हैं, कढ़ाई गर्म हो गई है। सबसे पहले हम डालेंगे तेल। तेल गर्म हो गए हैं, सूजी ला हम भून लेंगे। सूजी ला धीमी आंच में भूनेंगे, सगवारी को चम्मच चलाते रहेंगे। सूजी ला हम 3 मिनट तक धीमी आंच में भूजे हैं सगवारी को। सूजी के कलर है हल्का से चेंज हो गए हैं। अब हम सूजी ला कढ़ाई से अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में और तेल डालेंगे, एक बड़ी चम्मच करीब। तेल गरम हो गए है, अब डालेंगे फल्ली ला, सरसों, अब यही में हम प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, मीठा लीम, अच्छा से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। प्याज और मिर्चा भुंजा गए है, यही में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम 1 चम्मच नमक डाला था, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 से थोड़ा कम। चम्मच चला लेंगे, मिला लेंगे। अब हम सूजी ला डालेंगे, सूजी ला भी 1 चम्मच चला लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। हम पानी डालेंगे, गुनगुना पानी, 2 गिलास करीब पानी डालेंगे सोमवारी में। अच्छा से मिला देंगे और पकड़ लेंगे। 1 पाव वाले गिलास में 2 गिलास पानी डाले हैं। अब डाल देते हैं धनिया पत्ती ला और भाग देते हैं। अब 2 मिनट तक धीमी आंच में पकेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन ला अलग कर लेंगे। अब अच्छा से हम उपमा ला मिला लेंगे, पलटा पलटा लेंगे। उपमा बहुत ही अच्छा बने संगवारी हो, खिले खिले ये देखो। अब हम ऊपर से और धनिया पत्ती डाल देंगे, मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और गैस ला बंद कर लेंगे। सूजी के उपमा में आप आलू, मटर या गाजर सब्जी डाल के भी बना सकते हो संगवारी हो। हम सिंपल तरीका से बना हन। सूजी के उपमा बनाए की विधि आप मतलब कैसे लगी संगवारी हो कमेंट में बताओ। अगर ये विधि आप मतलब पसंद ही सो ही तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करूँ।